मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस खासी आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस के चार दिग्गज नेता लगभग हर दिन ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल है। बता दें, मध्य प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई है, जबकि परिणाम आने में अभी 5 दिन बाकी है। एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुई वोटिंग से पहले कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और अब कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगभग हर दिन ट्वीट कर सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश की सरकार 3C से ग्रसित हो चुकी है, कर्ज, क्राइम और करप्शन इन सरकार का ध्येय बन चुका है। आज प्रदेश में हर दिन नया माफिया पनप रहा है जो प्रदेश की अस्मिता को कलंकित कर रहा है। अनीति, आतंक, अव्यवस्था और अराजकता के इस सबसे गंभीर दौर में न्याय दरिद्र हो चुका है, देखने वालों की दूरदृष्टि नष्ट हो चुकी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि ग्राम विसोनी कला और मलका खेड़ी, तहसील सिरनी, मालवा जिला नर्मदापुरम में नहर विभाग और जिला प्रशासन की चूक के कारण बुआई के बाद 40 दिन तक नहर का पानी नहीं मिलने से 1500 से 1800 एकड़ की मूंग की फसल प्रभावित हुई। इसमें करीब 1000 एकड़ जमीन में फसल सूखने और फल नहीं लगने से किसानों को खड़ी फसल को रेटोवेटर से बरखना पड़ा। किसानों के लिए खड़ी फसल को खत्म करना सबसे बड़ी पीड़ा है। हम इस पीड़ा की घड़ी में किसानों के साथ खड़े हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ ही सार्वजनिक जीवन में उनकी निजता और सम्मान की रक्षा करना भी शासन का फर्ज है। दुष्कर्म पीड़ित की पहचान सार्वजनिक ना करने के नियम के पीछे यही मूल भावना है, लेकिन जब पुलिस ही पीड़ित के घर इस तरह जाएगी तो फिर तो पीड़ितों की पहचान को कैसे गुप्त रखा जाएगा। बेटियों की इतनी बड़ी संख्या में पढ़ाई छूटना दुख और चिंता का विषय है। इस मामले में नारेबाजी के बजाय विशेषज्ञों से परामर्श कर सम्मानजनक व्यवस्था की खोज करना जरूरी है। आपसे निवेदन है कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करे जो इस समस्या के समाधान के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और सरकार तत्परता से इसे लागू करने की अपील करे।